हाय फ्रेंड, मेरा नाम आकाश है और आज के इस वीडियो में जो है ना, हम सैमसंग J2 2016 मॉडल के चार्जिंग कनेक्टर वे के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आपको स्क्रीन पे जो बोर्ड नज़र आ रहा है फ्रेंड, ये सैमसंग J2 2016 मॉडल का फ़ोन है और इसमें जो है ना, चार्जिंग की डिज़ाइनिंग किस तरीके से है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक ये अपडेट ना ही गूगल पर है ना ही यूट्यूब पर है, ये फर्स्ट टाइम मैं अपनी रिसर्च पे दे रहा हूँ आपको। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए फ्रेंड, क्योंकि आपके जो लाइक है वो काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे वीडियोस बनाने के लिए। तो अमूमन जो है सैमसंग में ये पॉइंट जो होता है वो निगेटिव होता है, उसके जस्ट बाजू वाला जो होता है वो सपोर्टिंग निगेटिव होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप ये समझिए कि ये दोनों जो है वो निगेटिव है, इट मीन कि आप इसे कहीं पे भी जो है ना बोर्ड में ग्राउंड कर सकते हो। अगर आपके पास कोई फ़ोन है जिसमें आपने जो है ना वे प्रिंट जो है वो मिसमैच हो चुकी है, तो आप ऐसे जम्पर कर सकते हो। जम्पर करना है आपको तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। उसके बाद जो ये डाटा निगेटिव से मतलब जो है ना सब डाटा निगेटिव पॉइंट है और ये जो पॉइंट है वो डाटा पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। ये हेल्प होता है फ़ोन में सॉफ्टवेयर करने के लिए, USB कनेक्ट करने के लिए, डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए, और ये जो है वो NA पॉइंट है, ठीक है। तो ये सारी वे जो है यहाँ पे आप जम्पर कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको कोई पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये डायरेक्ट जो है ना U600IC के अंदर से आई हुई पॉइंट है, ठीक है। इतना ही है, मैंने जो रिसर्च में पाया है वही अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अब उसके बाद पॉजिटिव के लिए आप इस कैपेसिटर्स पे जंपर कर सकते हो, उसके अलावा ऊपर एक कॉइल लगी है वहाँ पे भी जंपर कर सकते हो, ये दोनों जो बिंदीज है यहाँ पे भी जंपर कर सकते हो। उसके बाद जो है ना सपोर्टिंग पॉजिटिव के लिए जो है ना आप कहाँ पे जंपर कर सकते हो, यहाँ नीचे कैपेसिटर पे ही जंपर कर सकते हो। उसके बाद पूरे फ़ोन में आपको कहीं पर भी जंपर नहीं करना, क्योंकि मैंने पूरा जहाँ तक फाइंड आउट किया है ना उस हिसाब से तो मुझे कोई पॉइंट नहीं मिला। अब पॉजिटिव के आगे भी जंपर कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, वो कहाँ करना है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो ये ट्रैवल करते हैं और हम चलते हैं बैटरी कनेक्टर के पास, ठीक है। तो ऐसे ट्रैवल करते हुए हम बैटरी कनेक्टर के पास जब जाएंगे ना, मैं आपको दिखाता हूँ कि बैटरी कनेक्टर के पास यहाँ पर अगर आप देख पाओगे तो एक जो है कॉइल लगी हुई है, ठीक है। ये जो कॉइल है आप यहाँ पे जंपर कर सकते हो, ये भी जो है ना सेम मतलब वहाँ से वे आती है डायरेक्ट बोर्ड की यहाँ तक। तो अगर इन फ्यूचर कोई फ़ोन आता है जिसमें जो है ना बोर्ड मतलब लाइन जो है प्रॉब्लम है, लाइनिंग की प्रॉब्लम है, क्योंकि काफ़ी पतला बोर्ड है, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है पॉजिटिव को ऐसे जंपर करके भी रिपेयर कर सकते हो। देखिए काफ़ी पतला बोर्ड है तो कभी बोर्ड ब्रेक हो जाता है और कस्टमर चाहता है कि वो यूज़ करे कुछ दिन तक फ़ोन को, तो आप ऐसे ट्रैवल करके जो है ना रिपेयर कर सकते हो ताकि उसके जो फ़ोन है वो चार्जिंग भी हो सके। बाकी जो है ना नीचे बैक की के भी हैं तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊँगा, क्योंकि ये बोर्ड के ऊपर मैं आपको पूरा कवर करूँगा कि कैसे रिपेयर करना है। तो देखिए वीडियोस में इतना ही फ्रेंड, ये वीडियोस जो है ना काफ़ी मेहनत के बाद बनाता हूँ मैं आप लोग के लिए। तो अगर वीडियोस आपको दिल से पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और इन फ्यूचर आप हमारे वीडियोस को देखना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू।